नमस्कार। जीवन में अगर आपको खुशहाल रहना है ना, तो ये चार आदतें छोड़ देना। हर इंसान जीवन में खुश रहना चाहता है, हर इंसान जीवन में सुख शांति से अपने जीवन बिताना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी आदतें होती है ना इंसान की कि वो जानबूझकर दुखी रहता है। वो आदतें ही उसकी ऐसी होती है कि हर पल पल उसको दुखी करती रहती है। तो क्या ऐसी आदतें आपके अंदर तो नहीं है, वो आदतें जो आप भी पल पल वो सोच के दुखी होते रहते हो? अगर ये आदतें आपके अंदर भी है ना, तो निकाल देना आप, वरना आप भी ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे और बार बार दुखी होते रहोगे वो सोचकर। नंबर वन, असंतुष्ट महसूस करना। बहुत से लोग जीवन में ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना होती है। क्या उसमें से आप तो नहीं है? क्या आपके मन में भी असंतुष्टि की भावना तो नहीं है? बहुत से लोगों के जीवन में सारा सब कुछ, हर चीज, हर सुख सुविधाएं, हर चीज होती है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना होती है कि यार मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। मानते हैं कि हजारों लोगों के सपने होते हैं, उनमें से मुश्किल से 100-200 लोगों के वो सपने पूरे होते हैं। तो क्या होता है, दूसरे लोग जिंदगी जीना छोड़ देते हैं? नहीं, वो भी तो हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं। उनके भी लक्ष्य होते हैं, उनकी भी उमंग होती है, उनके भी सपने होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते, फिर भी वो हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं और आराम से रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग उनके सपने जब पूरे नहीं होते ना, तो उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो दुखी रहते हैं कि यार मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ, मेरा वो एम पूरा नहीं हुआ। मन ही मन अंदर कुंठित होते रहते हैं। तो क्या आप मन ही मन तो ऐसे कुंठित नहीं होते हो? क्या आप मन ही मन ऐसे दुखी तो नहीं होते हो? ऐसा मत करना। जरूरी नहीं कि हर इंसान के सपने पूरे हो जीवन में, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज मिल जाए जो आपने चाही है। बस भगवान ने जो दिया है वो पा लें और उसके साथ जीना सीख लें। हाँ, लेकिन एक बात जीवन में जरूर ध्यान रखें, कोशिश करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें। आपका सपना आज नहीं तो कल पूरा होगा, लेकिन अपने जीवन के साथ संतुष्टि से जिए। सेकंड, सभी को प्रसन्न रखना। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने फैमिली में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में और अपने कलीग्स, अपने ऑफिस में सबको खुश रखने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि यार ये मेरे से नाराज नहीं हो जाए, ये मेरे से दुखी नहीं हो जाए, ये मेरे को कुछ न कह दे, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। अगर आप ये करते हो ना, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने खुशहाल जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भगवान श्री राम इस धरती पर पैदा हुए, वो तो भगवान थे, पता है आपको, वो भी सभी को खुश न रख सके। उनकी प्रजा, क्या सारी प्रजा उनसे खुश थी? नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भगवान राम से भी दुखी थे। तो जीवन में एक बात याद रखें कि जब स्वयं भगवान सबको प्रसन्न न रख सके, तो अपन क्या चीजें? आप जो है, जो स्वयं जो हैं, अपने आप को खुश रखना सीखें। लोगों को खुश रखने के चक्कर में आप अपनी जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा न करें। थर्ड, टालम टोल की आदत। बहुत से जनों की आदत होती है कि काम को टालम टोल करना, आज नहीं यार कल कर लेंगे, कल नहीं यार परसों कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। अगर आप भी ऐसा करते हो ना, ऐसे करते करते जब वो काम नज़दीक आ जाता है, और जब वो नज़दीक आ जाता है, उसका टाइम पीरियड नज़दीक आ जाता है, तो आप परेशान होते हो, आप फटाफट जल्दबाजी में वो काम करते हो, और पता है वो जल्दबाजी में वो काम भी आपका पूरा नहीं होता है। उस काम में आप 100% नहीं लगा पाते हो और वो आपका वो काम बिगड़ जाता है।
और जब वो काम बिगड़ जाता है तो नुकसान किसको होता है? आपको होता है, और आपको होता है, और आपका खुशहाल जीवन बर्बाद होता है। इसीलिए अगर आपकी टालम टोल की अगर आदत है तो उसे आज ही निकाल दीजिए अपने जीवन से। कभी यह मत सोचे कि मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। जो काम अगर आज करना है तो आज ही कर लीजिए, क्या पता परसों आपके पास हजारों काम आ जाए और वो काम आप नहीं कर सको। फिर पहले रोज भी और हजारों काम आपके पास आ जाए और वो काम ना कर पाओ, और ऐसे करते वो समय नजदीक आ जाए और आपका काम ऐसे ही रह जाए, फिर क्या? फिर आपको उस काम के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा और आप मन ही मन दुखी होते रहोगे। फोर्थ, नकारात्मक विचार। बहुत से लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, यार ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। लोग अपनी पॉजिटिविटी भूल चुके हैं, हर तरफ हर दिन नकारात्मक विचार दिमाग में भरे रखते हैं। उससे क्या होता है? उससे उनका मन शांत नहीं होता है, उनका मन इधर उधर 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 भटकता रहता है। और इससे क्या होता है? इससे उनका जो मन है ना, उनका मन दुखी रहता है। हर वक्त उनके दिमाग में नकारात्मक विचार भरे रहते हैं, और इन विचारों से वो और उनका दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि वो हमेशा असंतुष्ट महसूस करते हैं और अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाए, नकारात्मकता की भावना को दूर ले जाए। ये जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर सकारात्मक विचारों से जीवन देखोगे ना, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए हमेशा नकारात्मक विचार जीवन में कभी न लाएं। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।